हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे सेल्स टेक्निक के बारे में। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। वेलकम टू सक्सेस मोटिवेशन बाय फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए बिकॉज बहुत यूजफुल वीडियो है, और अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम कस्टमर आपसे आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, मैक्सिमम कस्टमर आपसे कन्विंस हो, तो आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही सिंपल टेक्निक लेके आया हूँ। ये टेक्निक जो है मैंने अपनी फील्ड में अपने कैरियर में आज तक यूज़ किया और मेरे लिए बहुत यूजफुल रही है, और इतनी सिंपल टेक्निक है कि आज से ही आप अपने जॉब में अपने बिजनेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड थ्री बॉक्स टेक्निक। होता क्या है फ्रेंड, जब भी हम फील्ड में सेल्स करने जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को बेचने जाते हैं, अगर हम किसी भी कस्टमर को एक सिंगल ऑफर देते हैं कि ये मेरा एक पैकेज है, तो आइडियल कस्टमर क्या है कि उस पैकेज के बारे में सोचने लगता है। आइडियल क्या सोचेगा, वो प्राइसिंग के बारे में, क्या मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मेरे को इसकी नीड है, क्या मुझे अभी इसकी जरूरत है। मीन्स देर विल बी अ यस और नो रेस्पॉन्स टिल आप उसको कोई सेकेंड ऑफर नहीं देते हैं। मतलब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हम लोग सभी मूवी थिएटर्स में जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, तो इंटरवेल में जब हम पॉपकॉर्न लेने जाते हैं तो आप देखोगे वहां पे हमेशा दो ऑफर रहते हैं, दो पैकेज रहते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल में क्या होता है आपको थोड़ा सा पॉपकॉर्न दिया जाता है, लार्ज में क्या होता है आपको बहुत ज्यादा पॉपकॉर्न दिए जाते हैं। तो आइडियल कस्टमर क्या करता है कि सेफर साइड स्मॉल पैकेज पे चला जाता है, लार्ज को नहीं परचेज करता। मतलब 80% जो कस्टमर होगा वो आपके स्मॉल पॉपकॉर्न लेता है, और 20% कस्टमर ही होते हैं जो आपके लार्ज पॉपकॉर्न को लेते हैं। क्यों? क्योंकि आइडियल कस्टमर क्या है कि सेफ साइड चलना पसंद करता है, कि कम पैसे में अपना काम हो जाता है। लेकिन विद द टाइम जो आपके थिएटर्स हैं उन्होंने एक और ऑफर को निकाला, दैट इज कॉल्ड जंबो पैक। अब उसमें हुआ क्या कि उसने स्मॉल को स्मॉल ही रखा, जो लार्ज था उसको लार्ज रखा, और एक जंबो निकालते हैं। लेकिन लार्ज का नाम उसने चेंज करके अब उसको रेगुलर कर दिया। क्यों? क्योंकि रेगुलर सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज क्लिक होती है कि हाँ यार ठीक है, रेगुलर है, यूजफुल है, यूज कर लेंगे। लेकिन जैसे हम लार्ज सुनते हैं तो हमारा दिमाग क्लिक होता है लार्ज मतलब बहुत बड़ा। तो अब उसने क्या किया कि स्मॉल कर दिया, रेगुलर कर दिया और जंबो कर दिया। अब क्या होगा, कस्टमर स्मॉल में नहीं जाता है क्योंकि स्मॉल को एक वीक भी समझते हैं कि लाइक यार थोड़ा सा है, कम पड़ेगा। जंबो में क्या होता है कि बहुत ज्यादा होता है, तो कस्टमर सोच जाता है कि इतना सारे क्या करेंगे, वेस्ट ही जाएगा। लेकिन एक रेगुलर है, रेगुलर को कस्टमर आसानी से परचेज कर लेता है। सेम चीज हमें हमारे सेल्स में करना है कि जब भी किसी कस्टमर के पास आप जाते हो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, हमेशा उस कस्टमर को तीन ऑफर आप प्रोवाइड करो, एक स्मॉलर, एक रेगुलर और तीसरा जो होगा जंबो, यानी कि सबसे बड़ा ऑफर। तो इसमें भी क्या करना है आपको, जो स्मॉलर है उसको थोड़ा वीक रखना है, रेगुलर को हाई कॉन्ट्रास्ट रखना है, उसको ज्यादा से ज्यादा कंपाइलिंग रखना है, और जो ऑफर जो सबसे बड़ा है जंबो उसको बहुत बड़ा रखना है कि लाइक कस्टमर, आइडियल कस्टमर आप उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। तो आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या होता है कि 20% कस्टमर जो होता है वो स्मॉल पे जाता है, 10% कस्टमर जो होगा वो जाएगा आपके जंबो पे, लेकिन 70% जो कस्टमर होंगे वो आपके रेगुलर साइजेस पे जाते हैं, रेगुलर आपका जो भी आपका पैकेज होगा उस पे जाते हैं। और यही रेगुलर पैकेज होता है आपकी सेल्स को, आपके टारगेट्स को पूरा करता है। इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारी मल्टी लेवल चैन मार्केटिंग की कंपनीज देखी होंगी, उसमें क्या होता है कि अलग अलग मेंबरशिप के ऑफर्स होते हैं, लाइक सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है। जिसमें लाइक सिल्वर के अंदर आपको लाइक 2 सर्विसेज दे दिया, प्लेटिनम में आपको 10 सर्विसेज दे, लेकिन एक गोल्ड जो होता है मिड रेंज में जिसमें आपको 7 सर्विसेज देती है। तो आइडियल कस्टमर क्या करता है कि ना तो सिल्वर पे जाता है ना भी प्लेटिनम पे जाता है, वो सिर्फ गोल्ड पे चला जाता है। तो सेम इज लाइक हमें भी हमारे सेल्स में, हमारे ऑफर्स में वही सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम रखना है, ताकि कस्टमर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपके गोल्ड पे जाए, जिससे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके टारगेट्स पूरे होंगे। बिकॉज इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम कस्टमर होंगे जो प्लेटिनम पे जाएंगे, और आइडियल कस्टमर जो सिल्वर पे जाना चाहता है उसको आप कन्विंस कर सकते हो गोल्ड के लिए। तो एक ऐसी टेक्निक है थ्री बॉक्स टेक्निक, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल कर सकते हो और इजीली पेशेंट कस्टमर को जो है कन्विंस कर सकते हो। तो अगर अच्छी लगी हो टेक्निक, यूजफुल हो, आप उसको अप्लाई करें, 100% आपको रिजल्ट देगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।